नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने फिर से नोटिस भेजा है। ममता पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गलत बयानबाजी के आरोप में चुनाव आयोग ने दूसरी बार नोटिस भेजा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भाजपा की मदद करने और बंगाल के मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के टीके की खरीद एवं वितरण में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए और टीके निर्यात पर तत्काल रोक लगाई जाए। केंद्र बलों द्वारा मतदाताओं को धमकाने के बारे में बयान देने के लिए चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर प्रहार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह तब तक सीआरपीएफ के हस्तक्षेप के बारे में बोलती रहेंगी जब तक कि वह भाजपा के लिए काम करना बंद नहीं कर देते हैं। राजधानी दिल्ली में तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना के नए मामले नहीं रुक रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में सभी स्कूल सभी क्लासेस के लिए अगले आदेश तक बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के मद्देनजर एक बार फिर पूरी तरह से कोविड 19 अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र में गुरुवार को 56,280 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं और 370 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में भी 7,430 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जो इस साल के एक दिन में संक्रमण के अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशवासी अपना दायित्व निभाएं। राज्य शासन अपने स्तर पर सभी व्यवस्थाएं करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार से पुडुचेरी में भी नाइट कर्फ्यू लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि के कारण 10 अप्रैल से रात का कर्फ्यू लागू किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 99 साल के थे। हाल ही में उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। प्रिंस के निधन के साथ ही ब्रिटेन में शोक छा गया। जापान ने शुक्रवार को घोषणा की कि ओलंपिक से पहले कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव पर काबू पाने के लिए वह कड़े कदम उठाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।